नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का थमा प्रचार। के पाठक ने शिक्षा विभाग को दिया नया ऑर्डर। वोटर आईडी के खो जाने पर ऐसे करें मतदान। प्रदेश में जगहों पर लू को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्यपाल आलेकर ने मतदाताओं से की अपील। रेलवे स्टेशन पर अब होगा शॉपिंग मॉल। भारत की आबादी हो सकती है 144 करोड़ के पार। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट और क्लर्क के रिक्त पदों पर निकली भर्ती। असिस्टेंट और क्लर्क के 410 रिक्त पदों पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट झारखंडहाईकोर्ट.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को टाइपिंग और कंप्यूटर पर काम करने का भी अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का थमा प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। बीते दिन शाम के 5 बजे के पहले नेताओं ने सभी ने खूब प्रचार प्रसार किया। आखिरी दिन दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मालूम हो कि पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। इस दिन गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद में चुनाव है। पहले चरण के चुनाव के लिए नेताओं के द्वारा जनसभा नहीं किया जा सकेगा। गया में जीतन राम मांझी और राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत में टक्कर हो सकती है। वहीं नवादा में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। जमुई में लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती और राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह और राजद के प्रत्याशी अभय कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। मालूम हो कि पहले चरण में नाम वापसी के बाद 39 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे प्रकाश पुंज के बारे में। प्रकाश पुंज राजधानी पटना में गुरु का बाग के पास बनाया गया एक अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण पार्क है। इस पार्क में 4 द्वार बनाए गए हैं। ये 4 द्वार गुरु गोविंद सिंह महाराज के बेटे अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह को संबोधित करते हैं। इन चारों ही द्वार के पास हेमकुंड साहिब, पानवट्टा साहिब, नादेर साहिब, केसगढ़ साहिब और पटना साहिब नाम के 5 गोलाकार दीवार हैं। पार्क के दोनों तरफ एक गोलाकार सभाकार और 2 प्रदर्शनी हॉल भी देखने को मिल जाएंगे। इस परिसर में गुरु गोविंद सिंह के जीवन, शिक्षाओं और कार्यों को उजागर करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। के पाठक ने शिक्षा विभाग को दिया नया ऑर्डर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने विभाग में नया ऑर्डर दिया है। इन्होंने अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस समय सीमा के अंतर्गत अधिकारियों को एक काम पूरा कर लेना काफी जरूरी है। दरअसल विभाग ने 2 नया आदेश दिया है। पटना जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया है। इसके अनुसार सभी निरीक्षण पदाधिकारियों को अपने पोषण क्षेत्र में रहकर हर दिन 10 स्कूलों के निरीक्षण का निर्देश है। साथ ही प्रखंड में पदस्थ अधिकारियों और कर्मियों को यह आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय में 48 घंटे के अंदर आवास लेकर रहना सुनिश्चित करें। वोटर आईडी के खो जाने पर ऐसे करें मतदान। बिहार में 19 अप्रैल को 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं। अपने नेता को चुनने के लिए वोट करना काफी अहम हो जाता है। वहीं वोटर आईडी कार्ड के खो जाने के बाद भी मतदान करना संभव है। बिना वोटर आईडी कार्ड के जरिए भी वोट डाला जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाने पर मतदाता आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा जॉब कार्ड और बीमा स्मार्ट कार्ड की मदद से वोट कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर कर्मी इन डॉक्यूमेंट का मिलान करके ये सुनिश्चित करते हैं कि ये इस व्यक्ति का पहचान पत्र है या फिर नहीं। इसके बाद वोटर को वोट का मौका दिया जाता है।
बिहार स्पेशल स्कूल टीईटी का आंसर की करे डाउनलोड। बिहार स्पेशल स्कूल टीईटी का आंसर की जारी किया जा चुका है, परीक्षार्थियों के द्वारा अब इसे डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड ने विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आंसर की को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी इसे वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 23 फरवरी को एक शिफ्ट में और 24 फरवरी को दो शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद अब आंसर की को जारी कर दिया गया है। BSS TET परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी को बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सोना मोती गेहूं का उत्पादन 29 से 34 क्विंटल। बिहार में सोना मोती वंशी और टिपुआ जैसे पारंपरिक गेहूं की वैरायटी को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें संरक्षण देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसल कटनी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार सोना मोती गेहूं का उत्पादन 29 से 34 क्विंटल बताया गया है। साल 2023 और 2024 में गेहूं की इस वैरायटी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद इसकी खेती में बढ़ोतरी हुई है। वहीं आने वाले समय में खेती में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बारे में। ये एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 24 जून वर्ष 1937 में बिहार के सुपौल में हुआ था। इन्होंने अपना करियर एक प्राध्यापक के रूप में शुरू किया था। आगे चलकर ये बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी बने थे। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और यहाँ से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 19 अगस्त वर्ष 2019 में ये हमें अलविदा कह गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निजी स्कूल होंगे बंद। बिहार में आगामी 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस दौरान निजी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं स्कूलों के वाहन को चुनाव के काम में लगाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से कई स्कूलों से चुनाव कार्य के लिए वाहनों की मांग की गई है। कई निजी स्कूलों के वाहन चुनाव कार्य में लगेंगे। मालूम हो कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मतदान का कार्य आसानी से संचालित हो सके। वहीं छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 रिलीज। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी की साइलेंस 2 रिलीज हो गई है। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। मनोज वाजपेयी खुद अपनी तरफ से ये बात कह चुके हैं। प्राची देसाई के साथ इस फिल्म में मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यानी साइलेंस का पार्ट 1 इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड था। ये भी इन्वेस्टिगेशन पर ही बेस्ड है। इसमें ऐसे क्राइम पर रोशनी डाली गई है जो हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में अंदाजा तक नहीं है। फिल्म के पहले हाफ में कहानी बिल्ड होती है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। वहीं दूसरी हाफ में कई लोगों की नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही है। भारत की आबादी हो सकती है 144 करोड़ के पार। भारत की आबादी 144 करोड़ के पार हो सकती है। बढ़ती आबादी की चिंता के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह आशंका जताई गई है कि भारत की आबादी 144 करोड़ के पार हो जाएगी। इसमें 24 करोड़ आबादी 14 वर्ष के आयु सीमा के बच्चों की होगी। वहीं 15 से 64 साल के आयु सीमा के लोग 68% होंगे। भारत की जनसंख्या 77 सालों में दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है। भारत को 142.5 करोड़ की आबादी के साथ विश्व जनसंख्या में सबसे आगे बताया गया है। इसके बाद जून में 142.5 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि साल 2011 में देश में हुई पिछली जनसंख्या में भारत की आबादी 121 करोड़ दर्ज की गई थी। रेलवे स्टेशन पर अब होगा शॉपिंग मॉल। रेलवे के द्वारा मेगा प्लान बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे साल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद 100 दिवसीय योजना के साथ तैयार है। इसमें लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। चल रही मीडिया खबरों के मुताबिक रेलवे टिकट वापसी पर 24 घंटे में रिफंड, रेलवे सुविधाओं से जुड़े सुपर ऐप और 3 नए आर्थिक गलियारे बनाने और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने को लेकर योजना तैयार कर रहा है। इसके बाद स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल भी होगा, साथ ही यहाँ एयरपोर्ट जैसे लाउंज होंगे। मालूम हो कि अभी लोगों को टिकट का रिफंड मिलने में 1 हफ्ता का समय लग जाता है। अब मोबाइल पर बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली कटने की जानकारी। अब बिजली कटने की सूचना बिजली उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर ऊर्जा मित्र ऐप के जरिए दी जाएगी। आपको बता दें कि इस ऐप का निर्माण बिजली कंपनी द्वारा किया गया है।
यदि आधे घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रहने वाली है तो उसकी सूचना भी बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी। बिजली कटने की सूचना के साथ ही उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी भी दी जाएगी कि बिजली कब आने वाली है। बिजली से संबंधित इन जानकारियों को जानने के लिए बिजली उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इस ऐप से जोड़ा जाएगा। बिजली कंपनी की सुविधा ऐप और बिजली कार्यालय में बिजली उपभोक्ता अपना स्थायी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाएंगे। प्रदेश में जगहों पर लू को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीते ही दिन प्रदेश में कई जगहों पर लू वाली हवा देखने को मिली थी। लू वाली हवा के साथ ही राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। चिलचिलाती धूप के साथ ही चल रही लू के कारण लोग काफी परेशान भी दिखे। हालांकि आज प्रदेश में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही अन्य जगहों के मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और बांका जिले में एक या दो स्थानों पर लू चलने की संभावना है। राज्यपाल आलेकर ने मतदाताओं से की अपील। प्रथम चरण में बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने मतदाताओं से उत्साह पूर्वक मतदान करने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा है कि मताधिकारी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। राज्यपाल आलेकर ने कहा है कि मतदाताओं को धर्म, जाति, निजी लाभ आदि संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर बिना किसी भय के मतदान करनी चाहिए। हर मतदाता का मत भारत में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और देश एवं राज्य के विकास की उनकी परिकल्पना को साकार रूप देगा। आरा के भाई बहन का एशियन चैंपियनशिप में हुआ चयन। बिहार के आरा के सगे भाई बहन ने कुश्ती के नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। वहीं अब इनका चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। राष्ट्रीय संघ की ओर से इस चैंपियनशिप में इनका चयन किया गया है। आपको बता दें कि आरा के रहने वाले कोइलवर प्रखंड के कायम नगर गांव निवासी अर्चना कुमारी और अनुपम कुमार शिक्षक रंजन कुमार की पुत्री हैं। कई सालों से दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराजा खेल मैदान में दोनों प्रैक्टिस किया करते थे। इन लोगों ने कई टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया है। पहली बार दोनों ने सिल्वर मेडल हासिल किया और अब ये एशियन प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन दो जिलों में बिहार पुलिस ने शराब तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पुलिस को शराब तस्करी के मामले में समस्तीपुर और मधुबनी जिला से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देते हुए बताया है कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र से एक तेल टैंकर पर लदे 4,415.04 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। तो वहीं मधुबनी में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र से कुल 953.640 लीटर विदेशी शराब और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। लालू यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य के लिए किया चुनाव प्रचार। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन अपनी बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा के द्वारा संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, इसे हम लोग हरगिज मिटने नहीं देंगे। अगर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो हमें आरक्षण नहीं मिलता। इस संविधान में जो लोकतंत्र की व्याख्या है वो नहीं होती, इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है कि हम लोग इसे मिटने नहीं देंगे। मालूम हो कि सारण में रोहिणी आचार्य की टक्कर एनडीए के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला हमला। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव देश के एकमात्र नेता हैं जिन्हें उनके अपराध के लिए सजा हुई है। सम्राट चौधरी ने राजद को अपराधियों की पार्टी बताया है। साथ ही कहा है कि राजद के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने आपराधिक काम को अंजाम दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों ने सबसे अधिक कानून को तोड़ा है। राजद के लिए आरक्षण का मतलब बेटी बेटा होता है, लेकिन हमारे लिए पूरा समाज है। उन्हें इस बात की चिंता है कि कैसे टूरिस्ट बेटी को भारत में एमपी बनाया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को लेकर कही बड़ी बात। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीते दिन दैनिक भास्कर के एक साक्षात्कार में कहा है कि तीन बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती है। बिहारी बाबू ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में
ममता बनर्जी बड़ी गेम चेंजर होंगी। ममता बनर्जी के खेला को समझने के लिए अच्छे अच्छों की को भी अभी दम चाहिए। भाजपा को इसका बहुत घाटा होने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को आज सताया जा रहा है, इनको जेल भी भेजा जा रहा है। इन नेताओं पर केस ठोके जा रहे हैं, उनमें बड़े पैमाने पर 95% से अधिक विपक्ष के नेता है। लोकसभा चुनाव से पहले राजद को लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है, सभी पार्टियों की ओर से जीतने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच राजद को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में पार्टी के नेता राधाकृष्ण किशोर और बिहार में पार्टी के पूर्व सांसद देवेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में पार्टी के कद्दावर नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को भेज दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में राजद को केवल एक सीट मिलने पर राजद के कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीमों के बीच मुलायमपुर के महाराजा यादविंदर स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। ये आईपीएल का 33वां मुकाबला होगा। दोनों ही टीम इस मैच को जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। मुंबई की टीम ने सीएसके के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, अब पंजाब के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मैदान में मुंबई की टीम आ रही है। आपको बता दें कि 7वें स्थान पर रहने वाली पंजाब किंग्स का मुकाबला 8वीं रैंक पर रहने वाले मुंबई की टीम से होगा। दोनों ही टीम आईपीएल में बेहतर रैंकिंग की कोशिश करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में अर्ल ऑफ विलिंगडन को भारत का वायसराय बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 1991 में केरल को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2005 में भारत मुंबई स्थित जिन्ना हाउस पाकिस्तान को देने पर सहमत हुआ था। आज के दिन वर्ष 1858 में भारत में महिला कल्याण के क्षेत्र में समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1859 में भारतीय विद्रोह के नेता तात्या टोपे की मृत्यु हुई थी। आज के दिन वर्ष 1901 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनायक और प्रशासक चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह का जन्म हुआ था। व्हाट्सएप ने अपने खास फीचर को किया लॉन्च। लंबे इंतजार के बाद व्हाट्सएप ने अपने नए फीचर को लॉन्च कर दिया है। मालूम हो कि यूजर्स की जरूरतों को देखते हुए व्हाट्सएप की ओर से अक्सर कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस ऐप ने चैट फिल्टर को पेश किया है। इसकी मदद से आप आसानी से अनरीड मैसेज को अलग कर सकते हैं, साथ ही बहुत सारे मैसेजेस के बीच इसे खोजना काफी आसान भी हो जाएगा। इस नए फीचर के लॉन्च हो जाने के बाद यूजर्स चैट्स को बिना स्क्रॉल किए ही अपने सबसे जरूरी चैट तक पहुंच जाएंगे। आने वाले हफ्ते में अब जल्द ही यूजर्स को ये नया फीचर मिल जाएगा। पर्सनल लोन के बदले इन ऑप्शन को चुनना है बेहतर। पर्सनल लोन के बदले अन्य ऑप्शन को चुनना बेहतर होता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। अन्य विकल्प को चुनने से आपका काम भी आसानी से हो जाएगा और आपको नुकसान भी अधिक नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट, एफडी लोन, पीपीएफ पर लोन आदि अधिक फायदेमंद हो सकता है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है और जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है आप वहां से इसकी मदद से ले सकते हैं। इससे आपके अकाउंट में होने वाले मौजूदा बैलेंस से अधिक पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक से अनुमति लेनी होती है। साइन ऑफ क्रेडिट प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिटेड के साथ मिलती है। इसमें आधार के तौर पर पैसे मिलते हैं और आप जितने रुपए खर्च करते हैं उतने रुपए पर ब्याज लगता है। अगर आपने बैंक में एफडी करवाई है तो उसकी मदद से भी लोन ले सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर भी लोन की सुविधा ली जा सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? ऑप्शन है बंधन बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इसका सही उत्तर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुशील शर्मा, ऑप्शन बी अनुराग कुमार, ऑप्शन सी कमल किशोर, ऑप्शन डी है हरेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है अनुराग कुमार। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और एचएन पोखरा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी है भीम यूपीआई, ऑप्शन सी है फोन पे, ऑप्शन डी है भारत पे।
इसका सही उत्तर है फोन पे। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में कब हड़ताल हुआ था? ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 6 फरवरी 1919, ऑप्शन सी है 6 मार्च 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1919। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ताल का क्षेत्र, ऑप्शन बी है दियारा का क्षेत्र, ऑप्शन सी है भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भाबर का क्षेत्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पीयूष कुमार, रंजीत मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, गौरव कुमार, पवन सिंह, पंकज कुमार दास, अतीक खान, भीम कुमार, शोभानंद ठाकुर, चंदन राज, उमेश ऋषिदेव, भरत प्रसाद, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप इस बार के आईपीएल फाइनल मैच में किन दो टीमों के बीच का मुकाबला देखना पसंद करेंगे? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।